हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल फ्रेश मटर की सब्ज़ी। हम गए थे अपने खेतों में तो मैंने वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई है जहाँ से हम मटर तोड़ के लाए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितने हरे भरे मटर लगे हुए हैं। इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं डाला है, ये डैडी जी ने लगा रखे हैं मटर। और देखिए कितने फले हुए हैं ये मटर के पौधे। तो आज हम इनको तोड़ लेंगे, फिर मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल ही फ्रेश मटर। और साथ में मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ये है गोभी का पौधा, और भी काफ़ी सारी गोभी लगी हुई थी, वो हमने खा ली तो ये थोड़ी सी ही बची है। और साथ में मैं दिखाती हूँ अभी आपको ये अजवाइन का पौधा। इसके ऊपर अजवाइन के बीज आ जाएंगे, तब इसको सुखा के वो अजवाइन भी निकाल ली जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मूली का पौधा, इसके ऊपर फूल लगे हुए थे, फिर इसके बाद जो फली लगती है इसको, ये लंबे वाले हैं तो इसको सिंगरे बोला जाता है। और ये देखिए मूली, ये फिर जब हमने मूली को नहीं निकाला तो इसके ऊपर जो पौधा है वो बड़ा हो गया और उसके ऊपर फ्लावर्स आए हैं, तो यानी कि इसके ऊपर भी सब्ज़ी लगी हुई है। इसकी भी सब्ज़ी बनती है, आलू डाल के काफ़ी टेस्टी बनती है। और यहाँ देखिए ये है टमाटर का पौधा, इस पर भी फूल आ चुके हैं तो इस पर भी टमाटर लगेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो मटर हैं वो सारे तोड़ लिए हैं, तो अभी हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने सब्ज़ी की तैयारी कर ली है। उसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो है वो पेस्ट बनाया है दरदरा सा, और ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं पेस्ट बना के, और ये बॉइल्ड आलू लिए हैं मैंने, इसको हाथों से ही थोड़ा हाफ मैश किया है। और ये मैंने जो मटर लिए हैं उसको भी मैंने बॉईल कर लिया है, और ये बाकी जो नॉर्मल मसाले हम यूज़ करते हैं। मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया, वो गर्म हो चुका है, तो मैं एक चम्मच डालूंगी इसके अंदर जीरा। जैसे ही जीरा ब्राउन होता है फिर हम डाल देंगे साथ में प्याज का पेस्ट। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन भी डाला है, तो अभी हम इसको भी अच्छे से ब्राउन होने देंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे सबसे पहले इसको। तो ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनने वाले हैं आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने जो आलू और मटर है उसको पहले ही बॉईल करके रखा है, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा और टेस्टी भी काफ़ी बनेंगे। तो ये थोड़े से ग्रेवी टाइप हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने प्याज लहसुन का पेस्ट डाला था वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। तो अभी मुझे डालना है इसके अंदर जो मैंने नमक मिर्च और हल्दी डालनी है वो डालूँगी मैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम डाल देंगे इसके अंदर 1.5 चम्मच नमक, थोड़ा सा और डालूँगी मैं, और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लाल मिर्च। आप इसकी जगह पे हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर। तो अभी इसको थोड़ा सा भूनेंगे कम आंच पे, ताकि ये जले ना, बिल्कुल ही कम आंच पे मैं इसको भून रही हूँ। इससे कलर जो है वो काफ़ी बढ़िया आता है, तो इसलिए मैं इसको जो मैंने प्याज को फ्राई किया है उसके अंदर ही भून रही हूँ। तो अभी ये देखिए ये हो चुका है, तो अभी हम इसके अंदर टमाटर की प्यूरी भी डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। और अभी यहाँ देखिए मसाला जो है वो पक चुका है, इसने थोड़ा तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा ग्रेवी के अंदर भी पकाना है, ताकि जो मसाला है वो भी प्रॉपरली बन जाए। मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 गिलास पानी का, ताकि जो मसाला है वो पक जाए अच्छे से। और क्योंकि मैंने आलू जो है वो बॉईल किए हैं, ताकि वो ज़्यादा सूखी सी ना बने, तो वो खाई भी नहीं जाती है। आप चाहें तो बिल्कुल सूखी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और इसको अभी पकने देते हैं, फिर हम डालेंगे इसके अंदर जो बॉइल्ड आलू हैं वो मैंने हाथों से ही मैश किए हैं, बिल्कुल प्रॉपर मैश तो नहीं किए हैं, बस मतलब हाफ से ही मैश किए हैं बस।
आधे आधे टुकड़ों में यानी कि ऐसे ही तोड़ के रखे हैं। तो अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप पानी जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। और अभी मैं डाल दूंगी ये बॉइल्ड मटर। ये देखिए घर के मटर हैं, कितने हरे लग रहे हैं और ये मीठे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मन तो ऐसे करते हैं इनको कच्चे ही खा लो, तो हमने तो वहाँ पे भी थोड़े से कच्चे तोड़ के खाए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, टेस्टी। और अभी हम इसको बस 5-10 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो आलू हैं उसके अंदर भी मसाला जो है वो अच्छे से चला जाए। सर्दियों में अक्सर ही आलू मटर की सब्ज़ी खाते हुए बोर हो जाते हैं, तो आप अगर कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और बोर भी नहीं होंगे। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी टेस्टी बनती है। ये थोड़ी सी मसाले वाली सब्ज़ी है, आप चाहें तो इंग्रेडिएंट्स थोड़े कम ले सकते हैं।